गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम करेंगे, एक्चुअल में मैं लिख देता हूँ क्लास कौन सी है। ये क्लास है हमारी बीएससी थर्ड ईयर, ठीक है, लिखना भूल जाता हूँ कभी कभी, लेकिन नोट कर लीजिए, बीएससी थर्ड ईयर का लेक्चर हम कर रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स हमने स्टार्ट की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देख लिया था, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा डिटेल में कर लिया था। उसके अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स थे, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो या फैक्चुअल हो, जो भी चीज़ें हमें पता करनी थी वो हमने सारी कर ली, और उससे रिलेटेड हमने दो या तीन क्वेश्चन की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर ली। होपफुली आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने बिल्कुल डिटेल में किया, और उसी क्रम में वो आगे बढ़ते आज हम कॉम्पटन इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए कि हमने जो हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था, यानी किस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति या उद्भव हुआ, उसका कैसे हुआ कि जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसकी फेल्योर्स हमने देखी थी कि कहां कहां पर कौन कौन से घटनाओं को ये नहीं समझा पा रही है, तो उस क्रम में फिर क्वांटम मैकेनिक्स आपको उद्भव होती हुई दिखाई देगी। तो उस क्रम में हमने क्या देखा था, शुरुआत में मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी आई थी, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर नील्स बोर की परिकल्पना, फिर आगे 1923 में आपके कॉम्पटन इफेक्ट भी आएगा। तो बेसिकली आज हम हमारे लेक्चर में इस कॉम्पटन इफेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हमने एक चीज़ नोट की थी कि जो मैक्सवेल इक्वेशन थी या मैक्सवेल के जो सिद्धांत था उसके आधार पर ये प्रूफ हो गया था, या ये उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है या लाइट बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही पार्ट है, तो उसकी नेचर कैसी होती है, बेसिकली वेव करेक्टर होता है उनका। लेकिन बाद में उसके आधार पर जब कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिनको हम नहीं समझा सकते, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप ले लीजिए, उसको आप वेव करेक्टर के आधार पर नहीं समझा सकते, तब आइंस्टीन ने उसको समझाया मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को प्रयोग करते हुए। और मैक्स प्लैंक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में क्या कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव पार्टिकल करेक्टर, और वो जिस पार्टिकल से बनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, जिसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू के बराबर होती है, और इन सभी पार्टिकल्स के बंडल्स को या पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, ठीक है ना। और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कितने नंबर हैं, तो एन एच न्यू हो जाएगी। तो मैक्स प्लैंक के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, पार्टिकल करेक्टर की है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंतर्गत हमने इसी मैक्सवेल सिद्धांत का, इसी मैक्स प्लैंक ये जो सिद्धांत है वो मैक्स प्लैंक का है, ठीक है ना, थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिए, मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उन्होंने यूज किया और उसी के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एकदम अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तब वहां से ये चीज क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गई कि लाइट हैज आल्सो पार्टिकल करेक्टर। मैंने हैज आल्सो क्यों कहा, क्योंकि हम यह कहते हुए कि लाइट का पार्टिकल करेक्टर है उसके वेव करेक्टर को नकार नहीं रहे हैं, ठीक है ना। वेव करेक्टर तो उसका है, क्योंकि ऐसे खूब से इवेंट्स हैं जिनको आप लाइट के वेव करेक्टर के आधार पर ही समझा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स भी है जिनको आप वेव करेक्टर के आधार पर नहीं समझा सकते, तो उनको समझाने के लिए आपने क्या एज्यूम किया कि लाइट हैज पार्टिकल करेक्टर। तो फाइनल कंक्लूजन आपने क्या निकाल लिया था कि लाइट हैज ड्यूअल करेक्टर, दोहरी प्रकृति होती है, ठीक है ना, दोनों ही प्रकृति उसमें विद्यमान होती है। तो उसी क्रम में फिर आगे जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो भी क्या कर रहा है, वो भी जो लाइट के पार्टिकल करेक्टर है उसको क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहा है। तो ये इफेक्ट क्या है, लाइट के पार्टिकल करेक्टर को ही वेरीफाई करने के संदर्भ में एक और ठोस आपको प्रभाव मिलेगा, ठोस इसको आप कह सकते हो, बहुत सही तरीके से उसको प्रूफ करेगा, जिस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने किया था उसी प्रकार से ये भी ये दर्शाएगा। तो जब किसी भी सिद्धांत को, जैसे लाइट के पार्टिकल करेक्टर एक सिद्धांत के रूप में हमने कह दिया, तो उसको जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप प्रूफ करने का प्रयास करोगे वो मान्यता उतनी ही मजबूत होती जाएगी, समझ गए। तो ये हमने बेसिक चीज देख ली, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ये है क्या। तो देखिए कॉम्पटन इफेक्ट क्या था, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि कॉम्पटन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लो आपके पास कोई ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, एक एक्सरे फोटोन, ये क्या होगा, इसको इंसिडेंट कराओगे, आपतित कराओगे, मैं इसको लिख देता हूं इंसिडेंट एक्सरे फोटोन। तो ये क्या है, एक तरह का स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सरे फोटोन,
या इसको आप कॉलिजन भी कह सकते हो। तो जब इस प्रकार की स्कैटरिंग होगी तो सिचुएशन क्या मिलेगी आपको, सिचुएशन ये मिलेगी कि जब ये होगा तो इंसिडेंट एक्सरे होगी वो आफ्टर कॉलिजन या आफ्टर स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी या प्रकीर्णित हो जाएगी और उसकी दिशा बदल जाएगी, ये इस दिशा में चली जाएगी। ये इस प्रकार की सिचुएशन होगी, इसको मैं कह रहा हूं स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन या प्रकीर्णित एक्सरे फोटोन। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी अपनी दिशा से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन को मैं कहूंगा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अभी सिर्फ आप इस डायग्राम को देखिए, मैं सारा बताऊंगा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब का क्या मतलब है। इस प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पर है जब उस पर एक्सरे फोटोन आपतित किया गया तो आफ्टर स्कैटरिंग या आफ्टर कॉलिजन टक्कर के बाद एक्सरे क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो गया, अपनी दिशा से प्रतिक्षिप्त हो गया। फिर क्या किया गया, ये क्या है एक्सरे फोटोन है। तो अब मैंने इसको वेव के रूप में क्यों बनाया है, क्योंकि फोटोन की तो पार्टिकल करेक्टर होती है लेकिन जो एक्सरे है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक्सरे, उसकी क्या है वेव नेचर भी होती है। ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हो चुका है हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से और मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में भी बता दिया, ठीक है ना। तो एक्सरे जो है उसकी वेव करेक्टर मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये वेव भी है, ठीक है। तो ये वेव के रूप में बना दी, तो वेव है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी या वेवलेंथ होगी। तो इनिशियल में जो इंसिडेंट एक्सरे है उसकी वेवलेंथ देखी गई क्या है, वो हमको पता चल जाएगी जो आपने ली है। और जब स्कैटर्ड होगी एक्सरे तो उसकी वेवलेंथ मान लो लैम्डा डैश है, वो भी आपने देख ली क्या आ रही है। अब एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, यह देखा गया कि ये जो लैम्डा डैश है वो लैम्डा से क्या मिल रही है आपको, अलग मिल रही है। ध्यान रखिए, द स्कैटर्ड वेवलेंथ इज फाउंड डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट वेवलेंथ या इंसिडेंट, ठीक है ना, इंसिडेंट एक्सरे वेवलेंथ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो। और बेसिकली मिली क्या थी कि लैम्डा डैश थी वो लैम्डा से ज्यादा मिली आपको एक्सपेरिमेंट में। तो ये चीज आपको एक्सपेरिमेंट में मिली है, अभी हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो इस तरह की सिचुएशन मिली, तो आपको इसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ये क्यों आई। तो जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांत या जो क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत प्रयोग करोगे तब आप इसको नहीं समझा सकते हो। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार तो क्या होगा, इंसिडेंट और स्कैटर्ड एक्सरे जो है उसकी वेवलेंथ क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो आना चाहिए, जिसको नाम देते हैं रेले स्कैटरिंग। अब वो कैसे आती है उसकी चर्चा अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, आप सिर्फ इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर या चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर प्रकीर्णित एक्स किरण और आपतित एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए, समान प्राप्त होना चाहिए। लेकिन प्राप्त आपको नहीं हो रहा है, ये तो आपको दिख रही चीज है तो इसको आप नकार नहीं सकते क्योंकि तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो ऐसी सिचुएशन मिली। तब क्या किया, कॉम्प्टन ने इस चीज को समझाने का प्रयास किया, किसके आधार पर, मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को उन्होंने यूज किया और उन्होंने एक्सरे को क्या माना, एक्सरे फोटोन माना, जिसकी ऊर्जा क्या ले ली उन्होंने, एच न्यू ले ली, क्या ले ली, एच न्यू ले ली। और फिर स्कैटरिंग की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद, उस कैलकुलेशन को किया और एक फॉर्मूला प्राप्त करेंगे, वो किस चीज का फॉर्मूला प्राप्त करेंगे, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का एक फॉर्मूला वो प्राप्त करेंगे जो भी अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो उस फॉर्मूले से आप जो कैलकुलेशन करोगे और जो एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से जो आपको लैम्डा डैश माइनस लैम्डा मिलेगा वो दोनों क्या मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे, समान मिल जाएंगे। तो ये एकदम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाएगा किस चीज का, कि एक्सरे फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज पार्टिकल करेक्टर। तो आप इस चीज को समझ गए हम करने क्या वाले हैं, कॉम्प्टन क्या बताएंगे, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एक्सरे फोटोन की पार्टिकल नेचर को एक तरह से क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, और किस प्रकार से होगा वो भी हम आगे देखते हैं, बाकी मैथमेटिक्स ही है इसमें पूरी। तो इस डायग्राम को आप समझिए, इस डायग्राम को एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं इसके अंतर्गत क्या क्या है वो चीज आप समझ लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये डायग्राम तो मैंने बना रखा है, ये आपकी एक्सरे फोटोन है, इंसिडेंट एक्सरे फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने रेस्ट में मान लिया, और ये क्या है स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन है। अभी आप देखिए इसकी वेवलेंथ मैंने कम बनाई, इस वेव की वेवलेंथ को छोटा बनाया, इसकी वेवलेंथ को बड़ा बनाया, क्यों बनाया है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो चुका है कि लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, तो इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया, बड़ा बना दिया। अब ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत
जो कहते हैं ना फिजिक्स इसके अंदर का छुपी हुई है। अगर आप डायग्राम इस तरह से बनाओगे तो कोई भी प्रकार की गलती कोई निकाल नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो फिजिक्स आपने सीखी है, जो फिजिक्स के अंदर इन्वॉल्व है, वो इस डायग्राम में भी झलकनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपके बोलने में, आपके लिखने में, आपके डायग्राम में, आपके नोटेशन रिप्रेजेंटेशन, सब जगह जो फिजिक्स है वो साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। अगर आप इसको और इसको सेम बना देते या इसको बड़ा इसको छोटा बना देते तो फिर वो डायग्राम तो ठीक दिख रहा था लेकिन वो फिजिक्स फेल हो जाती। और हम इस क्लास में पढ़ क्या रहे हैं, फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स किसी भी स्तर पर फेल नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा झलकती हुई दिखाई देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें पता है इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है तो हमने इसकी बड़ी वेवलेंथ बना दी। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिकॉइल हो गया। अब ये रिकॉइल क्यों होगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। तो ये अगर मान लो इस प्रकार से नहीं होता तब तो इस एक्सरे की डायरेक्शन ये होती, लेकिन ये इधर चली गई, तो ये जो एंगल बना रही है उसको हम कहेंगे फाई, और ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और इस एंगल को मैं थीटा कहता हूं, एंगल ऑफ रिकॉइल, रिकॉइल, या इस रिकॉइल को नाम देते हैं प्रतिक्षिप्त। इस इलेक्ट्रॉन को कहते हो आप प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये पूरा डायग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्कैटरिंग है इसको, इसके आधार पर हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और किस प्रकार से हम लैम्डा डैश माइनस लैम्डा के लिए एक फॉर्मूला निकाल करके लाएंगे। हम तो क्या बेसिकली कॉम्पटन ने किया था ये सारी चीज़ें, तो किस प्रकार से आएगा उसकी हम चर्चा करते हैं। तो पहले आप एक बार एक चीज़ नोट कर लीजिए, तो मैंने कुछ बोर्ड पर लिखा है वो क्या है आप आराम से नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है, ठीक है ना। बेसिकली जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसको मैंने थियोरेटिकली थोड़ा समझाने का प्रयास किया ताकि आराम से क्या कर सके, अच्छे से नोट्स बना सके, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको लिखवाना आवश्यक होता है इसलिए उसको मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिए। अब ये है क्या, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी इंग्लिश में सब बता दूंगा क्या है। पहले मैं इसको एक बार बोल देता हूँ ये क्या है, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव पार्टिकल करेक्टर। ये तो आप अच्छे से जानते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर आपने ये प्रूफ कर दिया था इस समय तक आते आते, 1923 तक आते आते, तो क्या कह दिया था कि जो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी करेक्ट, उसकी नेचर कैसे होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। फिर आगे इन 1923 A.H. कॉम्पटन ऑब्जर्व्ड ए चेंज इन वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन ऑफ एक्स रे आफ्टर कॉलिजन विथ एन इलेक्ट्रॉन विच वॉज एज्यूम टू बी एट रेस्ट। कुछ नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा है, यानी 1923 में A.H. कॉम्पटन ने एक प्रयोग किया या एक चीज प्रेक्षित की, प्राप्त की, वो क्या कि उन्होंने देखा कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो कि स्थिर अवस्था में है उसका या उसका किसी एक्सरे फोटोन के साथ टक्कर करवाई जाती है, कॉलिजन होता है, तो जो स्केटर्ड एक्सरे होगी उसकी वेवलेंथ में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बढ़ गई कम होगी, परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन हो सकता है शून्य हो तो वो जीरो भी हो सकती है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। उन्होंने क्या किया, एक परिवर्तन चेक किया इस डायग्राम के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, ये एक्सरे फोटोन इसके साथ कॉलिजन करेगी तो इस प्रकार की सिचुएशन होगी। तो उन्होंने चेक किया कि ये जो स्केटर्ड एक्सरे है इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ में क्या चेंजेज है, ये तो आप लेके चल रहे हो और ये क्या मिली। तो उन्होंने जब प्रेक्षित किया तब क्या मिला उसको मैंने नीचे लिखा है, इन दिस एक्सपेरिमेंट कॉम्पटन वाज फाउंड दैट द वेवलेंथ ऑफ स्केटर्ड एक्सरे फोटोन इज लार्जर देन, ये इंपॉर्टेंट है, इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे फोटोन। अर्थात इस प्रकीर्णन प्रयोग में कॉम्पटन ने यह प्राप्त किया या ये ज्ञात किया कि जो स्केटर्ड एक्सरे है या जो प्रकीर्णित एक्स किरण फोटोन है उसकी तरंग दैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा प्राप्त होती है। तो ज्यादा प्राप्त हो, इसका मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का शिफ्ट आ गया, विस्थापन हो गया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इजिकल टू जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ शिफ्ट हुआ है। तो द शिफ्ट इन द वेवलेंथ इज कॉल्ड द कॉम्पटन शिफ्ट, यानी ये जो आपका लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का जो भी मान आएगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्पटन शिफ्ट कहलाएगा, एंड दिस इफेक्ट इज नॉन एज कॉम्पटन इफेक्ट। तो इस तरह से आप थ्योरेटिकली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने करके बता दिया, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में भी आ गया होगा, वो बिल्कुल बेसिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से आगे चीजें घटी, किस प्रकार से इन्होंने एक्सपेरिमेंटली मिला है, अब हम क्या करेंगे
क्वांटम सिद्धांत का इसमें प्रयोग करेंगे कॉम्प्टन, और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी वो डेराइव करेंगे या प्राप्त करेंगे, जिसके आधार पर ये प्रूफ हो जाएगा कि जो एक्सपेरिमेंटली उनको ऑब्जर्व हुआ था या जो प्राप्त हुआ था, वो थ्योरेटिकली उन्होंने जो फॉर्मूला प्राप्त किया है उसके समान ही मिल रहा है। तब ये चीज और ज्यादा वेरीफाई हो जाएगी कि लाइट हैज पार्टिकल करेक्टर। तो उन्होंने क्या देखा, इस चीज को आप एक नोट कीजिए, आपको ये तो पता चल गया कि जो प्रकीर्णित एक्स किरण है उसकी वेवलेंथ क्या है, आपतित एक्स किरण की वेवलेंथ से ज्यादा है। ज्यादा है इसका मतलब क्या है, उसकी ऊर्जा क्या होगी, इसकी इसकी ऊर्जा में क्या अंतर होगा, ऊर्जा इसकी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो इसकी आवृत्ति कम है, आवृत्ति कम है तो ऊर्जा भी कम हो जाएगी। तो मान लो इसकी ऊर्जा कुछ है और इसकी ऊर्जा कुछ अलग होगी, तो इसकी ऊर्जा कम है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब इसका इसके साथ कॉलिजन होगा तो इसकी ऊर्जा का कुछ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी का लॉस है वो कहां आपको दिखेगा कि कुछ एनर्जी क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपको पता है कि एनर्जी तो कंजर्व रहती है, जितनी एनर्जी आप इनिशियल में लेके चले उतनी एनर्जी आपको बाद में मिलनी चाहिए। तो अगर कुछ एनर्जी इसमें लॉस होगी तो रिमेनिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी मूल दिशा से या अपने स्थिर अवस्था से विचलित हो जाएगा और रिकॉइलिंग हो जाएगी, उसकी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो मैंने बताया था ना, ये डायग्राम ऐसा क्यों आया, ये इसलिए आया कि जो ऊर्जा का ह्रास या क्षय हो रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, इस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा के अंतर के बराबर होगी, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे इस लेक्चर को, तो क्योंकि वो थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट लेक्चर में डील कर लेंगे, वरना ये डेरिवेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और लेक्चर को अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी। तो कोई बात नहीं है, आप तो आराम से दो पार्ट में सुन लीजिए, मैं इसको दो पार्ट में बना दूंगा। तो इसमें हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को पूरा देख लिया, अब अगला काम हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम को लेकर के जो आपके कॉलिजन की प्रॉपर्टी होती है, जब किसी भी दो कणों में टक्कर होती है तो किस प्रकार से आप ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण के नियमों को अप्लाई करते हो और पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो, तो हम वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और उसके आधार पर कॉम्प्टन शिफ्ट का फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। तो इस लेक्चर में यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू।